अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर नजीब फहमी पिछले 25 सालों से मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। मैंने अपना MBBS MD मेडिसिन औरंगाबाद से किया है, उसके बाद फेलोशिप डायबिटीज़ और एलर्जी में ख़ास तौर पे किया हूँ। इन तमाम दोनों चीज़ों के साथ साथ मोटापे पे ख़ास तौर पे मेरा स्पेशलाइजेशन है। मोटापे का मैं दुश्मन हूँ और मेरे तमाम मरीज़ जो 60 साल के भी हैं, 70 के भी हैं, चाहे जवान, वो तमाम लोग खाना पीना बदल कर और वर्जिश करके वज़न कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो बगैर दवाओं के अपने लाइफस्टाइल को, खाने पीने को बदल के हम इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। नजीब फहीमी साहब जो बीदर के मशहूर और मारूफ डॉक्टर हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एलर्जी किसे कहते हैं। सर, सबसे पहले हमारे ATV भारत के खास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एलर्जी से मुतल्लिक एलर्जी किसे कहते हैं, जब ये बताएं। एलर्जी एक बहुत आम बीमारी है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी बहुत निगलेक्टेड है, यानी इसका डायग्नोसिस करना आम तौर पर मिस हो जाता है। उसको आम सर्दी जुकाम समझकर लोग वक्त गुजारते रहते हैं। सिंपल ये है कि सर्दी जुकाम जो होता है सादा, वो 4-5 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन एलर्जी आम तौर पर साल के 12 महीने हो सकती है या कम से कम कुछ महीनों तक होती रहती है। एलर्जी में होता यह है कि कंटिन्यू नाक का बहना या नाक का बंद हो जाना या छींके आना, आंखों का खुजाना, उसके साथ साथ आपके ठसका लगना, खांसी लगना, चलने पर दम लगना, ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक जो है एलर्जी से हो सकता है, और उसकी वजह से नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें मिलकर जब आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि एलर्जी है, और ये कुछ वक्फे के लिए नहीं रहती बल्कि लंबे टाइम तक रहती है। अभी आजकल का जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में तो ये एलर्जी के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल वगैरह, नए नए फूल उगना शुरू होते हैं, उसकी वजह से हवा में एलर्जेंस जिनको कहते हैं वो फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो है एलर्जी बढ़ी हुई है आजकल। ये जो एलर्जी के अलामतें अभी आपने बताई हैं कि उसके वजूहत क्या हैं, वो जो अलामतें जब जाहिर हो जाती हैं तो ये होने की वजह क्या है? एलर्जी की वजह ये समझ लीजिए कि ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जिसके खिलाफ जिस्म क्या करता है, एक्स्ट्रा ओवर रिएक्शन करता है। वही हवा में तमाम लोग रह रहे हैं, घर के अफराद खानदान समझिए 5 हैं, लेकिन एक साहब को ये होता है कि बार बार मैंने जो सिम्टम्स बताया तमाम चीज़ें हो जाती, नाक बंद हो रही, नाक बहरी या फिर ठसका लग रहा, सांस हो जा रही, वही हवा में बाकी लोग हैं, लेकिन वो बाकी लोगों को वो हवा नॉर्मल ट्रीट होता, उनका जिस्म क्या करता है, वो हवा में मौजूद जो चीज़ें उनके नाक के जरिए से जिस्म में पहुंचती हैं उसको नॉर्मल कंसिडर करता है। लेकिन जिन साहब को एलर्जी है या जिस खातून को एलर्जी है, उसकी नाक में जब ये नॉर्मल चीज़ें दाखिल होती हैं तो उसका जिस्म कहता है कि भाई एक अटैक हो गया, हमला हो गया, तो उसके खिलाफ केमिकल रिएक्शन नाक में शुरू हो जाता है। वो केमिकल रिएक्शन नाक से बढ़ते बढ़ते जब फेफड़ों में जाता है तो वो उसको एलर्जी के पूरे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो इस तरह से ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल हवा में मौजूद नॉर्मल चीजों को जिस्म का ओवर रिएक्शन, इसको एलर्जी कहते हैं, और ये क्यों होता है इसकी कोई वजह हम बता नहीं सकते। डस्ट एलर्जी भी एक आम शिकायत है, जिसे किस तरह बचा जा सकता है? डस्ट एलर्जी यानी डस्ट में जो है ना, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चीजें मौजूद होती हैं, यानी हर किस्म की चीज होती है, कॉकरोच के पर के हिस्से होते हैं, फूलों के बुरादा होता है, और खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जानवरों के जिस्म के हिस्से होते हैं, जानवरों के स्किन होती है, उसके बाल होते हैं, फिर गजा की कई चीज़ें हवा में उड़ जाती हैं, तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर डस्ट बनती है। उसमें से किस चीज़ की एलर्जी है उसको एलर्जी टेस्ट के जरिए से हम पहचान सकते हैं, और उसको फिर पहचान कर उसके आगे के स्टेप्स के तरफ हम जा सकते हैं। तो डस्ट एक, ये समझ लीजिए कि पूरा एक बड़ा खजाना है चीज़ों का, एलर्जेंस का, जिनसे एलर्जी हो सकती है वो वहाँ पर आपको मिलते हैं। इसका टेस्ट किस तरह से किया जा सकता है? इसका टेस्ट करने के लिए सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, सबसे टॉप का जो टेस्ट है, उसमें यह किया जाता है कि जिन चीजों के बारे में हमको डाउट है, जैसे हम टेस्ट करते हैं, हमने ये किया है कि बीदर और बीदर के अतराफ जितने झाड़ हैं, जितने फंगस हैं, जितने जरासीम हो सकते हैं, या फिर कुत्ता है, बिल्ली है, कॉकरोच है, बिस्तर में मौजूद कुछ जरासीम होते हैं, कबूतर है, इन तमाम चीज़ों के हमने एलर्जेंस जमा किए, यानी उनके जिस्म के वो हिस्सों को हमने जमा किया है, केमिकल्स जमा किए हुए हैं, प्रोटीन्स, उससे हम जिस्म पर लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि जिस्म किस तरह से उसको रिएक्शन दे रहा है, वो रिएक्शन की बुनियाद पर यह तय होता है कि एलर्जी किस चीज़ को है।
उसकी फोटोग्राफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो जिस्म जो है बहुत बड़ा ददोड़ा आ जाता है, ददोड़े के तौर पर बड़ा आ जाता है, तो उसको आप एलर्जी कह सकते हैं। उस तरह से आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट टेस्ट है। ब्लड टेस्ट का जो टेस्ट है वो पक्का टेस्ट नहीं होता। आपकी हिस्ट्री, किस तरह से आपको तकलीफ होती है, दिन के किस हिस्से में होती है, रात के किस हिस्से में होती है, आँख खुजा रही है नहीं खुजा रही है, नाक बह रही है नाक बंद हो रही है, ठसका लग रहा है, तमाम चीजों पर गौर करके वो टेस्ट करने के बाद जब आप देखेंगे तो वो टेस्ट का सही अंदाजा करके सही डायरेक्शन में आप इलाज करने के काबिल हो सकते हैं। क्या इसमें मौसम का भी असर होता है? अलग अलग मौसम में, हाँ, मौसम की तब्दीली, ठंडक बढ़ने से एलर्जी के अटैक का मामला बढ़ जाता है। नाक में ऑलरेडी जो है सूजन रहती है एलर्जी की वजह से, लेकिन जैसे ठंडक बढ़ गई या ठंडी हवा नाक में घुस गई उसकी वजह से एक साथ छींकें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नाक ऑलरेडी जो है कॉम्प्रोमाइज वे में रहती है, यानी नाक का हिस्सा जो है कमजोर रहता है, उसमें ये इसका अटैक आने की वजह से लोग क्या कहते हैं कि मैं पानी में हाथ डालते सर्दी हो गई, या फिर ठंडी हवा में निकलते ही मुझे जुकाम चालू हो गया, मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ इससे, लेकिन उससे हो नहीं रहा, उससे बढ़ रहा है। असल चीज तो ये तमाम चीजें मैंने जो बयान की हैं, इनकी एलर्जी की वजह से मामला हो सकता है। बहुत सारे लोगों को जैसे आपकी फूल की खुशबू हो या फिर परफ्यूम हो, अतर हो, उसके उससे भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की शिकायत हो रही है। जी, तो मैंने वही बयान किया कि तेज खुशबू, तेज बू, बोरचिखाने की बू होने दीजिए या सेंट की बू होने दीजिए या पेट्रोल की बू होने दीजिए, इन तमाम चीजों की वजह से ये बढ़ जाता है। एलर्जेंस की वजह से जो मैंने मुख्तलिफ चीजें आपको बताए, पोलन है, फंगस है और कॉकरोच है, हाउस डस्ट माइट, इसकी वजह से ऑलरेडी सूजन नाक में रहती है, फिर उसके बाद जैसे ये चीजें तेज अंदर दाखिल होती हैं उसकी वजह से तेजी से फिर रिएक्शन आ जाता है। इसका जब किसी आदमी को इस तरह की शिकायत हो तो उससे किस तरह बचा जा सकता है, उसका इलाज क्या है? इसमें अगर ये देखिए कि आंखें बहुत ज्यादा खुजा रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो सुबह में 6-7 बजे के टाइम पे पूरे हवा में जो है पोलन, यानी हवा से निकलने वाला जो बुरादा है, फूलों से जो निकलता बुरादा, वो मौजूद होता है, उस वक्त उनको बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए, चाहे कांग्रेस ग्रास होने दीजिए, बाकी के फल होने दीजिए। फिर शाम में 6 बजे का टाइम भी डेंजर होता है, ये टाइम पे थोड़ा बचना चाहिए, नाक को बचाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि घर को बहुत साफ रखना चाहिए, हर जगह बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, वरना उसकी वजह से कॉकरोच पूरे घर में फैल जाते हैं। एक ही जगह पर खाना खाएं, उस खाने को अच्छी तरह साफ कर दें, ताकि कॉकरोच रात में निकलकर फैलकर जब खाना शुरू करते हैं, अगर हम बेडरूम में खाएंगे तो कॉकरोच बेडरूम में आएंगे, वो जब आएंगे तो वो अपने हिस्सों को छोड़कर जाएंगे जिससे एलर्जी हो सकती है। हम अपने बिस्तरों को साफ रख सकते हैं, लेकिन बिस्तरों को आप कितना भी साफ रखिए, अगर हाउस डस्ट माइट है तो उसमें मौजूद होता है, वो डायग्नोसिस के बाद उससे बचने की कोशिश की जा सकती है। तो ये अगर बार बार हो रहा है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसको कंट्रोल कर लिया जाए, वरना नाक से होते होते, नाक और आंखों से होते होते जब फेफड़ों में जाता है तो दम्मा होने का खतरा बढ़ जाता है आगे चलकर। खाने के कई अकसाम हैं जिसको एलर्जी से जोड़ा जाता है, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो उससे भी एहतियात बरतनी चाहिए? खाने पीने के सिलसिले में ये समझना ज़रूरी है कि खाने पीने की एलर्जी होती कैसे है। ये जो सर्दी, जुकाम, खांसी और दम्मा होने का जो मामला है, आम तौर पर खाने पीने की चीज़ों से नहीं होता, बल्कि ये बाहर की चीज़ों से होता है। खाने पीने की चीज़ों की अगर एलर्जी रहती है तो उसका रिएक्शन बहुत अलग आता है, यानी खासतौर पर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, इनडाइजेशन हो जाना, या फिर कभी कभी ऐसा ज़बरदस्त रिएक्शन आता है कि बीपी वगैरह बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो जैसे पीनट है, यानी फली के बीज हैं, उसकी एलर्जी हो सकती है, या कुछ मछली हैं वो खाने के बाद इंसान को ऐसा रिएक्शन है। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसका बीपी और पल्स बिल्कुल ज़ीरो हो गया, सिर्फ एक इंजेक्शन उसका इलाज है एड्रेनालिन, वो देते ही वो तेज़ी से बीपी वगैरह कंट्रोल आता है। तो ये खाने पीने की एलर्जी हर चीज़ों में, हमारे इलाके में खासतौर पर यह देखा गया है कि हर आदमी जो है खाने में कुछ ना कुछ बीमारी ढूंढता है, अच्छी गज़ाओं में जैसे असली घी है, फ्रूट्स हैं और अंडे हैं, तो उनको कोई गर्म कहेगा, कोई ठंडा कहेगा, तो ये तमाम चीज़ें गलत हैं। ये सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, बेहतरीन गज़ाएँ हैं, इनको खाना चाहिए। अपने तौर पर किसी चीज़ के बारे में तय नहीं करना चाहिए कि मुझे इसकी एलर्जी हो गई है। दही, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आपकी क्या राय है? दही और आइसक्रीम, दही तो बेहतरीन ग़िज़ा है, वो उसको खाना चाहिए, पेट के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है, उसमें कोई ठंडक का उसका तल्लक नहीं है। मेरे एलर्जी के मरीज आइसक्रीम खाते हैं, मेरे एलर्जी के मरीज तमाम फ्रूट खाते हैं और वो छाछ पीते हैं, सब करते हैं। लेकिन आइसक्रीम ये है कि उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जब आना शुरू हो जाते हैं, केमिकल्स जब आना शुरू हो जाते हैं, आइसक्रीम एक अच्छी चीज़ है लेकिन घर में बनाई हुई आइसक्रीम अच्छी हो सकती है, लेकिन जब प्रिजर्वेटिव मिल जाती है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए जो चीज़ें केमिकल्स मिलाते हैं वहाँ से वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स तो ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है और पूरा का पूरा वो आर्टिफिशियल ग़िज़ा है, यानी मसनूई चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उससे बेहतरीन चीज़ है नींबू का पानी है, छाछ है और लस्सी है, ये तमाम चीज़ें आप घर पे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक की जगह पर। ये थे बीदर शहर के मशहूर मारूफ डॉक्टर नजीब फहीमी, जो एलर्जी से मुताल्लुक तफसीलात बता रहे थे। ईटीवी भारत के लिए बीदर से मुबीन अहमद साहब।